अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम पाकिस्तानी बहन भाइयों, आज ये वीडियो मैट्रिक नाइन्थ की जो फीमेल कॉलेज यूनिवर्सिटी और हॉस्टल की लड़कियों के लिए ये वीडियो, तो कह लिए ये वीडियो गौर से और एंड तक देख लीजिए। अगर उनके पेरेंट्स देख रहे तो उनके पेरेंट्स भी देख सकते हैं। तो आज आप लोग जिस मकाम पर हो, मेरी बहनों, ख़वातीन जो शादीशुदा है और सिंगल, जो नर्सेस वगैरह है या जो हॉस्टल के अंदर अपनी लाइफ गुजार रहे, तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि आप लोग अगर स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर तालीम हासिल कर रहे तो आप लोगों को ये मालूम नहीं कि आप लोगों से अपनी वालदैन की कितनी उम्मीदें वाबस्ता है। क्योंकि आप आज जिस मकाम पर है तो आप लोगों के पेरेंट्स की वजह से हो, क्योंकि आप लोगों के पेरेंट्स कितनी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके आप लोगों के लिए तालीम के लिए, आप लोगों के यूनिफॉर्म के लिए, आप लोगों की फ़ीसों के लिए पैसे इकट्ठे करके, आप लोगों को ये नहीं पता कि वो अगर उनका दिल चाहे फ्रूट खाने की, लेकिन वो फ्रूट नहीं खाते कि मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, मेरी रानी, उनकी फ़ीस पे करूं ताकि उनकी यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्टल के अंदर उनको कोई बात ना करे कि आपकी फ़ीस पेड नहीं हुई, आप जाओ क्लास से बाहर, आप हॉस्टल से जाओ, आप लोगों की यूनिफॉर्म, आप लोगों की खुराक के लिए वो ख़ुद वो फ्रूट नहीं खाते, ख़ुद वो अच्छी खुराक नहीं खाते, आप लोगों के लिए वो अच्छी खुराक घर में भी रखते। जब आप छुट्टी जाते हो खुश होते हैं कि मेरी गुड़िया आ गई, मेरी रानी आ गई, मेरा बेटा आया, आप लोगों के लिए वो यूनिफॉर्म, कपड़े नए, नए शूज़, नए बैग्स बाज़ार से लाकर आप लोगों के लिए रखते हैं कि मेरी बेटी आएगी, मेरी गुड़िया आएगी, मेरी रानी के लिए ये बैग, ये कपड़े, ये शूज़ संभाल के रखते हैं। तो प्लीज़ अपने वालदेन की इज्जत कीजिए, उनके इज्जत का जनाजा मत उठाइए, क्योंकि ऐसी कई लड़कियाँ देखी मैंने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल से भागकर दूसरे लड़कों के साथ हफ्ता 10 दिन के बाद फिर उनको छोड़ देते हैं। तो काइंडली इस चीज़ से परहेज़ कीजिए, इसकी तरफ तवज्जो मत दीजिए, अपने स्टडी के ऊपर आप फोकस कीजिए। जब आप तालीम कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर अगर आपको कोई बता भी दे लड़का, ओहो आपके गांव का क्यों ना हो, आपका कज़न क्यों ना हो, तो उनको बताइए कि अपने वालदेन को आपके घर भेजें, आपके वालदेन से वो बात कर ले आपके रिश्ते का। तो प्लीज़ अपने वालदेन की इज्जत मिट्टी में मत मिलाइए, क्योंकि आपके वालदेन जिस मुश्किल से पैसे कमाते हैं आप लोगों के लिए, और आपकी मामूली हरकत तो उनकी आँख के नीचे हो जाती है सारी उम्र के लिए ख़ानदान मुआशरे में, कि फलां की बेटी भाग गई घर से। आप लोगों को इसका नहीं पता, एक दुख का, कुछ ऐसे पेरेंट्स देखे हमने वो खुदकुशी कर लेते हैं अपनी बेटियों की वजह से, कि उनकी बेटी घर से भाग गई, फलां के साथ भाग गई, और महीने के बाद उनके पेरेंट्स खुदकुशी भी कर लेते हैं, और महीने के बाद वो बेटी घर आ जाती है या यतीम खाने या बैतुल माल पहुँच जाती है। तो प्लीज़ खुदारा ये हरकत मत कीजिए, इससे अपने आप को बचाइए। आपका ताल्लुक एक इज्जतदार घराने से है, आप शादी के बगैर नहीं रहेगी इंशाल्लाह। आप फोकस कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल तालीम के ऊपर, आप एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, एजुकेशन आप कंप्लीट करेगी इंशाल्लाह, तो फिर उसके बाद आप अपनी वालदा, बहन, बड़े भाई से मशवरा भी कर सकते हैं, या उनको बताइए, इसमें शर्माने की बात नहीं है, ये आपका हक है कि भाई या अम्मी या बहन या अबू फलाना लड़का है मेरी यूनिवर्सिटी में, तो इस तरह वो मुझे पसंद है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, तो आप उनसे मुलाकात कीजिए और उनके घर, तो उनको उनकी जो मदर होगी लड़की की उनके इनवाइट करेंगे घर में, डेट सेट। फिर इसके बाद अपने अबू और अपने भाई को, बड़े भाई को बता दीजिए कि उस लड़की के मोहल्ले में भी वेरिफिकेशन कीजिए
कि उसका बैकग्राउंड कैसा है। बज़ाहिर अगर उसके पास गाड़ी है तो ऐसे लड़के हैं देखे मैंने कई स्टूपिड किस्म के लड़के, कि वो गाड़ी किसी दोस्त से लाकर लड़की के लिए ताकि लड़की उससे इम्प्रेस हो। तो प्लीज़ किसी की गाड़ी, सफ़ेद कपड़े, शूज़, हाथ में गाड़ी की कीज़ वगैरह होगा, वो आएगा साइकिल बाइक पर, उसने किसी दोस्त से गाड़ी की चाबी पकड़ी होगी आपको दिखाने के लिए कि मेरे पास गाड़ी है, लेकिन उसके पास गाड़ी नहीं होगी अपनी, कीज़ सिर्फ उसके पास होगी या पराई गाड़ी उसने लाई होगी। तो काइंडली अपनी पेरेंट्स की इज़्ज़त का ख्याल कीजिए, अपनी पेरेंट्स की इज़्ज़त का जनाजा मत निकालिए। आप ये छोटी सी मिस्टेक नहीं, सारी उम्र के लिए आपकी वालदेन की आंखें नीचे होती है, दुनिया पर उसको ताने देती है, आपके भाइयों को, आपके पेरेंट्स को, आपकी मदर को, कि आपकी बेटी भाग गई, आप आराम से बात कीजिए, आप बड़ी बड़ी बातें मत करें सिर्फ आपकी वजह से। तो प्लीज़ अपनी वालदेन की इज़्ज़त का ख्याल कीजिए, क्योंकि वो जिस मुश्किल से पैसे कमाते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फीसेस अदा करने के लिए, और आप लोग बातों में, लड़कों के बातों में आकर घर से भाग जाती है। अगर आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में कोई लड़का, कोई वार्डन, कोई टीचर और कोई ऑफिसर्स वगैरह तंग कर रहे, तो आप अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने बड़े भाई को, कज़न को, उनको बता दीजिए कि ये फलाना ये हरकत कर रहे हैं। अपने भाई को बताए, अपनी माँ को बताओ, इसमें शर्म महसूस मत करिए प्लीज़। उसमें मैं नंबर मेंशन कर रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर है, उसको भी आप रब्ता कर सकते हैं मैसेज। मेरा ख़ुद एक दोस्त लॉयर है, तो हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम भी आपकी आवाज़ बने इंशाल्लाह, जब आपको कोई मुश्किल दरपेश हो। तो प्लीज़ अपने आप पहचानिए, आप एक जिम्मेदार घराने से आपका ताल्लुक है, क्योंकि ऐसे बच्चे देखे मैंने जो कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करते हैं दिन को, छोटी बच्चियाँ। तो शुक्र अल्लाह ताला का अदा करो कि आपके पेरेंट्स आपको तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे, और तालीम हासिल करने के बाद आप ऐसी हरकत कर रही हो, ये बहुत अफसोस का मकाम है। तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिए, और भी जो भी आपके दोस्त हैं फीमेल, उनसे भी ऑप्शन डिस्कस कीजिए कि इस चीज़ से परहेज कीजिए। खुदा रहा अपने वालिदैन की इज़्ज़त कीजिए, क्योंकि वो यही कोशिश कर रहे कि मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, मेरी रानी तरक्की करे और नेक बने, अपने पाँव पर खड़ी हो, और आप लोग ये हरकत करके ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी ख़राब करती हो, और आप वालिदैन का भी सारी उम्र के लिए आंखें नीचे कर दे माशरे में। तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिए और अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल का निशान भी दबाए आल के ऊपर, ताकि मज़ीद न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिले। और जाते जाते इनके पेरेंट्स जिंदा हैं तो कैंडली उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी इज़्ज़त कीजिए, क्योंकि आज आप जिस मकाम पर हैं तो अपने वालदेन की वजह से है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है आप लोगों को इस मकाम पर लाने के लिए। और जिनके पेरेंट्स इस दुनिया के अंदर नहीं है तो उनके लिए दुआ कीजिए, नफल अदा करें कि उनको अल्लाह ताला जन्नत-उल-फ़िरदौस में आला मकाम अता करें। दुआ में याद कीजिए, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, जिंदाबाद।